मूर्तिजापूर शहरातील नगर परिषद अत्याराधित असलेल्या घरकुल परिसरात नागरिक विविध समस्यांकडून त्रस्त झाले असून नगर परिषद प्रशासनाच्या वतीने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत कानाडोळा करत असल्याचे दिसत आहे। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 लगत खदान परिसरात जुनी वस्ती येथे नगर परिषदेच्या वतीने घरकुल थाटले असून 2000 जवळपास गोरगरीब या परिसरात वास्तव्यास आहेत। मात्र या परिसरात विविध समस्यांनी नागरिक त्रस्त झाले असून याकडे नगर परिषद प्रशासन किंवा महावितरण विभाग मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत कानाडोळा करत असल्याने आम्ही गरीब असल्यानेच आमच्या सोबत अन्याय होतोय का असा प्रश्न येथील नागरिकांना पडला आहे। या परिसरात रस्त्यावरती पतदिवे असून ही रात्रीच्या वेळेस पतदिवे बंद असल्याने या परिसरात गुन्हेगारीत मोठी वाढ होताना दिसतेय। नुकत्याच याच परिसरात एका 12 वर्षीय मुलीवरती छेडखानी झाली असून मूर्तिजापूर शहर पोलीस स्टेशन अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे। कोणत्या समस्यांचा आपल्याला सामना करावा लागतो? मैं 25 साल से नगर सेवक हूँ, 2 साल नगराध्यक्ष भी था, पर मैंने इतना बोगस काम नगर पालिका आज तक नहीं देखा। 25 साल में मैंने इतना बोगस काम नहीं करा। लाइट बंद रहते थे, 2-4 दिन रहते थे, 8 दिन रहते थे। अब 15 दिन से बंद है। 2 बार मैंने उनको लेके भी आता, मोबाइल भी डाला, सब तरफ गंजे पूरे गाँव को मालूम है कि रास्ते की लाइट बंद है। और जो जिनकी तरफ डिपार्टमेंट है लाइट चालू करने का, उनको बोला मैंने लाइट चालू करो, तो उनका बोलना है कि जो हमारे साहब है नगर पालिका के मुख्य अधिकारी, ये हमको साहित्य पूरा रहने नहीं करके हम ये काम कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत गलतान कारोबार चालू है नगर पालिका का, और उसमें कैसा है पब्लिक से ध्यान से खेल रही है। जैसा घरकुल परिसर है, यहाँ 2000 के नजीक लोग रहते हैं, पर यहाँ लाइट नहीं है। और कई शहर में तो एक खंभे पे 4-4 लाइट है। मुझे कितना ये मुझे ये एरिया से भेदभाव कर रहे हो नगर पालिका। मुझे जहाँ कहीं सुविधा 100% कहाँ 10% भी सुविधा नहीं है। यह बहुत गलत काम चालू है। इसमें ना कुछ दखल लेने को ना जो तकरार कर रहे हैं हम उसकी, सब जो ये परिसर के नागरिक है पूरे सब परेशान है। यहाँ पे 2-3 आपराधिक घटना हुए ये घरकुल परिसर में, तो ये लाइट नहीं होने से तो और घटना होंगी। अपन जो प्रवास करते हैं तो कैसे प्रकार से आप कम से कम 15-20 दिन से लाइट बंद है। ये मेरा रोज का रास्ता है। मैं रात हाईवे की वसूली करके रोज़ यहाँ से 8, साढ़े 8, 9 बजे घर पर जाता हूँ, तो पूरा अंधेरा किर रहता बिल्कुल। और वो अंधेरा किर रहने से भाई अब हमारे पास भी वसूली के पैसे रहते, कुछ धोखा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बाकी भी डर रहते, सांप बिच्छू काटे का डर रहता। तो लाइट तो होना चाहिए। और इतना बोगस काम, ये हकीकत जो भैया ने बोला बिल्कुल सही बोला। मुझे आज तक इतना बोगस काम नहीं था। कम से कम ये एक शमशान भूमि है, यहाँ पे लोग शाम को भी लाते, मैयत आती है, तो लाइट की तो व्यवस्था होना चाहिए। ये प्रशासन का काम है। धनराज सबका, सुमन न्यूज अकोला।